हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। तो गाइस, आज मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैं शूटिंग देखने जा रहा हूँ अमर कॉलोनी। ठीक हमारे नियर बाय लोकेशन पे फुकरे 3 की शूटिंग हो रही है और वहाँ पे जाऊँगा मैं और सारी शूटिंग देखूँगा। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए हनी चूचा पंडित जी। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मिलते सीधा शूटिंग लोकेशन पर, तो मैं आपको सीधा वहीं दिखाता हूँ। अभी तो मैं यहाँ पे दोस्त के नीचे, घर के नीचे खड़ा हूँ। तो अभी बस वो 5 मिनट में आ रहा है, वो तैयार होकर आ रहा है। तो अभी हम सीधा वहाँ जाएंगे और वहाँ पे शूटिंग देखेंगे और मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा कि आपको एक हर एक सीन वहाँ का दिखाऊँ कि वहाँ पे चल क्या रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो मिलते सीधा लोकेशन पर। बाय। मैं यहाँ पे लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे कैसे शूटिंग हो रही है, क्या। और अभी मैं आपको बैक कैमरे से ही दिखा पाऊँगा। तो अभी मैं आपको सब दिखा दूँ। ये देखो, यहाँ पे पोस्टर्स बड़े बड़े लगे हुए हैं और इलेक्शन का इस बार हो रखा है शायद थीम है। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी आप यहाँ देखो शूटिंग हो रही है, फुकरे 3 की रैली निकल रही है। गाइस, इतना मस्त इन्होंने बना रखा है रैली। और गाइस, ये यहाँ सामने देखो पोस्टर। गाइस, वो आप सामने देखो, वो खड़ी हुई हैं पे भी। ये कितना अच्छा पोस्टर ये सारे बना रखे, गेट एंट्रेंस बना रखी है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और ये शूटिंग यश को टैंक पे चढ़ाओ। हाय, देखो गाइस, हमें हाय कर रहे हैं। मैं आपको हन्नी दिखा रहा हूँ। हन्नी, ठीक है, ये हन्नी है। मेरे कैमरे में इतना साफ नहीं आ रहा है। कितना अमेजिंग है ट्रंप चाइना वाला रशिया। कितना फनी पोस्टर बना रखा है। टेक हो रहा है गाइस। अगर इतना सही नहीं आ रहा तो अभी हम दूसरी साइड से हम कोशिश करते हैं कि एक पूरा अच्छा सा कैप्चर कर पाएं। तो जितना मैंने आपको दिखाया होगा, आपको वहाँ पे दिख गया होगा, हनी दिख गया होगा और मतलब एक करेक्टर और दिख गया होगा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पंडित जी भी दिख गए होंगे। तो अभी मैं आपको वहाँ जा के दिखाता हूँ। वहाँ पे एक और चीज थी जो बहुत अच्छी थी, तो वो थे ये ऑटो। और ये अपने चिन्ह को, उनका जो चिन्ह था वो मोर था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने ऐसा ऑटो बना रखा था। तो आप देख सकते हो एक मोर की तरह ऑटो बना हुआ है। और वहाँ पे जो था, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रैलीज के लिए ये पोस्टर्स बने पड़े हैं। ये भोली पंजाबन का भी यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स इन्होंने बना रखा है, बॉबी एडी। तो कहते यार, इनमें से मैं सिर्फ एक के साथ फ़ोटो खिंचवा पाया था, वो था बॉबी। और एडी ने तो खिंचवाने से मना कर दिया था, इन्हीं के पास क्राउड कम था। तो यार, सोचा इन्हीं के साथ फ़ोटो खिंचवा लें। सो गाइस यार, अभी मैं एक चीज़ दिखाना आपको वहाँ भूल गया था, तो वो व्लॉग में मैं डाल नहीं पाया था एक्चुअली। और बट मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो गाइस, मुझे वहाँ से दो चीज़ें मिली। फर्स्ट तो मुझे वहाँ का एक पोस्टर मिला जो कि साइड में पड़ा हुआ था, जो कि मैंने आपको क्लिप में भी दिखाया था एक छोटी सी, बट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये मैं वहाँ से उठा के लाया था, ये देखो, ये चूचा का पोस्टर जो साइड में पड़ा हुआ था। और उनका चुनाव चिन्ह जो है वो मोर है, और ये उसका पोस्टर उन्होंने बना के साइड में पड़ा हुआ था। किसी को ऐसे कोई किसी को नहीं दिखा, मेरे को दिखा और मैं उठा के ले आया। क्या शूटिंग भी ख़त्म हो चुकी थी उस टाइम पे। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो दूसरी चीज़ है ये पंकज त्रिपाठी का ऑटोग्राफ। अभी आपको ऐसे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसकी पिक डाल दूंगा लास्ट में। और गाइस, ये पंकज त्रिपाठी का ऑटोग्राफ बड़ी मुश्किल से मिला क्योंकि उस टाइम पर काफ़ी रश था। तो पंकज त्रिपाठी की जो खड़े थे लगभग 1 मीटर की दूरी पर खड़े थे, तो मैं तो चीखे मारने लगे था एक्साइटमेंट से, पंकज त्रिपाठी सर, पंकज त्रिपाठी सर। और जो उनका दूसरा एंगल था उस टाइम पे भी मैंने चीखे मारी थी पंकज त्रिपाठी सर, जिससे कि वो मतलब उन्होंने मुझे देखा था। तो जब उन्होंने दूसरी बार देखा कि यार ये लड़का उधर भी था और इधर भी था, तो मैंने तो बस चीखे ही मारने जा रहा था कि पंकज त्रिपाठी सर, शाउट आउट करने जा रहा था, सर सर एक फ़ोटो एक फ़ोटो। तो उसके बाद सर ने मुझे देखा, तो सर ने बोला कि फ़ोटो तो मैं ले नहीं पाऊँगा। और ड्रेसअप मैंने ऐसा कर रखा है, उनके गार्ड ने भी बोला कि फ़ोटो तो ये ले नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने ड्रेसअप अभी कर रखा है, शूट के बाद ही जो होगा वो होगा। तो आप शूट तक रुको। मैंने कहा सर, अभी मैं शूट तक तो रुक नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं अभी सारा अपना काम छोड़ के आ रखा हूँ। तो मतलब मैंने बहुत बोला, तो उन्होंने अपने स्पेशल गार्ड को बुलाया और उन्होंने ऑटोग्राफ मुझे देने को बोला। उन्होंने गार्ड से पेन पेपर मंगवाया, उन्होंने उनका ऑटोग्राफ अपना लिखा कि पंकज त्रिपाठी
ने आपको उन्होंने ये देखा और उन्होंने मुझे ये ऑटोग्राफ दिया। पूरी कोशिश की मैं आपको एक हर एक सीन दिखा पाऊँ, तो मैंने आपको लगभग थोड़े बहुत तो करेक्टर्स मैंने आपको दिखाई दिए, जैसे मैंने आपको भोली पंजाबन दिखा दी और हन्नी दिखा दिया, पंडित जी दिखा दिया और खाली रह गया था दिखाना, बट मैं क्या करता वो आए नहीं, और जब आए तो इतनी टाइट सिक्योरिटी कर दी उन्होंने उस टाइम पे कि फ़ोन अंदर रखने पड़ गए थे, तो मैं अभी क्या करूँ मैं अभी आपको बताऊँ। लेकिन मुझे काफ़ी शूटिंग देखने में मज़ा आया, मैंने इससे पहले कि आज तक कभी शूटिंग नहीं देखी थी इतनी करीब से, तो बिल्कुल भी नहीं देखी थी। सो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जितने भी फुकरे के सारे करेक्टर्स थे वो सारे अभी चले गए हैं। सो बाय, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ, एक बार मैं कल ज़रूर आऊँगा, और अगर कल मैं वो शूट ले पाया, उन दोनों को भी कैप्चर कर पाया, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।